कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। जिस तरह की तस्वीरें आई और जिस तरह की तस्वीरें प्रियंका गांधी वाले मामले से पहले आ रही थी, आपको लगता है कि जो प्रियंका जी ने एक लेटर लिखा है, जो एक डेलीगेशन के तौर पर कांग्रेस नेता मिलने भी गए थे आनंदीबेन पटेल से, यूपी सरकार को मानना चाहिए और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? एकदम मानना चाहिए। जांच से किसी सरकार को क्या घबराना? अगर वो सरकार ने, उस सरकार की मशीनरी ने कुछ गलत नहीं किया है और उसकी मंशा ठीक है, तो किसी भी जांच से उसे घबराना नहीं चाहिए। वो जांच के आदेश प्रदेश की सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के जीवन की सुरक्षा का सवाल है, वो भी जिसके अतीत में परिजनों के साथ बहुत घटनाएँ हो चुकी हों। और जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं है कि कानों सुनी है, वो लोगों की आंखों देखी है, आप लोगों के टीवी के माध्यम से भी दुनिया भी देख रहा है। तो ऐसे में तो सरकार को आगे बढ़ करके तुरंत इस मांग को स्वीकार करे और जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर देनी चाहिए। जिस तरह से वहाँ के सर्किल ऑफिसर जो अर्चना सिंह है, जो उसमें उस वक्त मौजूद थी, या वहाँ पे जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं जिन लोगों ने ये कहा कि बिना जानकारी के रूट चेंज किया, और वो एक्सक्यूज जो दे रहे हैं वो लोग, जिस तरह से और मैन हैंडल की बात को भी अस्वीकार है उन लोगों ने। देखिए, एक होता रूल एक्ट सिक्योरिटी के, आप अगर रूट के इंचार्ज हैं तो अगर रूट आपको नहीं पता है या दूसरे रूट पे जा रहे हैं, तो आपका काम है कि जो उनका PSO है या जो आपसे रूट उनके सिक्योरिटी में जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है या उनका जो स्टाफ है, उससे आपको उसके बारे में पता पूछ के उस अनुसार चलने का काम है, ना कि आप प्रोटेक्टी को रोक दें कि हम नहीं जाने देंगे। ये बात तो वो कह रही है कि कांग्रेस के लोग और जो उनके साथ चल रहे लोग थे वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, वो जानकारी नहीं। नहीं, नहीं, आप देखिए वीडियो सामने है, किस तरह से गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ा करके वो बोल रही है मैं नहीं जाने दूंगी, किस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। वीडियो आप देखिए स्लो करके, दो लेडी ऑफिसर हैं सामने, गर्दन तक हाथ है उनकी, कोई चीज सुनी सुनाई बात नहीं हो रही है, ये भोगा गया है, ये वहाँ पे दिख रहा है, वो बात हो रही है। देखिए, वो डरी हुई है उत्तर प्रदेश और देश की सरकार प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, वो चाहती है कि ये लोग पब्लिक में ना जाएं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किसी राजनीतिक दल के नेता को आप किसी पीड़ित के घर, किसी के साथ जाती हुई उसके घर, कोई तकलीफ में है उससे मिलना जुलना, आप कैसे रोक सकते हैं?